हेलो गाइस, हिप हॉप समाचार में आपका स्वागत है। बात करेंगे इक्का के बारे में। इक्का ने एमसी स्टैन, रफ्तार और कृष्णा के बारे में लाइव में कुछ कहा था। उन्होंने अपने कोलैबोरेशन की बात बताई। इन सब के साथ कब कोलैबोरेशन आने वाला है तो क्या कहा है, आप खुद ही देख लीजिए। एल्बम पे चल रहा है काम, अभी नया गाना बनाया, आज ही रिकॉर्ड करा है, बहुत खतरनाक, उसे पूरा कर रहा हूँ। मतलब एक वर्स रह गया बस, बहुत सारी वाइब्स हैं, पर मैं चाहता हूँ कि मैं कुछ और गाने बनाऊँ, क्योंकि मेरे दिमाग में और बहुत सारी कहानियां हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं बताऊँ इस एल्बम में। कृष्णा इक्का, मतलब भाई के साथ बात होती रहती है, कोई अच्छा गाना बनेगा, मेरे को लगेगा कि हाँ कोई विस्फोटक है, तो मैं ज़रूर कृष्णा भाई को भेजूंगा गाना। यार रफ्तार के साथ ट्रैक हैं, बहुत खतरनाक है यार, बहुत अच्छी वाइब्स, बहुत अच्छी वाइब्स। एमसी स्टैन इक्का कब, जब आएगा बहुत अच्छा आएगा यार, जब भी कुछ आएगा। बात करेंगे नेक्स्ट न्यूज के बारे में, कृष्णा के बारे में। कृष्णा ने एक न्यू पोस्ट डाला है और उसका कैप्शन लिखा है, नया गाना डाल दो क्या। एंड गाइज, उन्होंने टैग कलमकार और उनके मैनेजर को करा है। तो गाइज, मुझे लगता है नया गाना जल्दी आने वाला है। अब बात करेंगे लोका और एमसी स्टैन के बारे में। गाइज, लोका और एमसी स्टैन का रिसेंटली एक इंटरव्यू आउट हुआ था, जिसमें लोका ने कुछ कहा है एमसी स्टैन को। मतलब इस चीज में कहा है कि उन्हें कोलैबोरेशन बोला था एमसी स्टैन ने कि मेरे साथ कोलैब कर लो, पर लोका ने मना कर दिया। और उन्हें क्या क्या कहा आप खुद ही देख लीजिए। एमसी स्टैन को क्या बोलूं भाई, वो मेरे को पहले मैं टेक्स्ट कर, मतलब मेरे शो के पहले, मतलब जब मैं इंग्लिश वंग्लिश करता था ना, पुणे में टेक्स्ट करता था कि भाई मैं आपका बहुत बड़ा फैन हूँ। फिर मैं बोला अरे तेरे को इंग्लिश वंग्लिश नहीं आता, ये फैन वैन वाले क्या थॉट है। तो उसने कैसे ना कैसे करके हाई स्कूल से घुस गया। अच्छा, बोलता मेरे को भाई आपके सारी फोटो खींचनी, सच बात बोलना है, कुछ भी बोल गया। अच्छा, मैं बोला ठीक है चल खींचता हूँ। तो बोला बाहर आओ, आपको आपसे बात बात करनी है। तो बाहर गया, सीधा कोलैबोरेशन के लिए पूछा कि लोका भाई मैं चाहते ये। और फिर बाद में मेरे को इसके बारे में कुछ मालूम ही था। फिर बाद में मेरा एक दोस्त था वहाँ पे हाई स्कूल से, उसने बोला अरे ये ऐसा ऐसा करके, हम बोला अरे यार ऐसा क्यों कर रहा है, सब करने की जरूरत नहीं अपनी कोई प्रॉब्लम है, उल्टा शाउट आउट दे दो किसी को, मतलब समझ रहे अच्छे अच्छे आर्टिस्ट को शाउट आउट दो, बोलो के लिए गाना बनाओ इंस्टेड ऑफ हेट करना। तो मैंने तभी उसको फिर मना कर दिया, फिर बाद में उसने तो फिर अलग ही सीन कर दिया। नेक्स्ट म्यूजिक की बताता हूँ, मुफाड़ के बारे में। मुफाड़ का न्यू ट्रैक जल्दी आ, उसका अनाउंसमेंट हो चुका है, कोलैबोरेशन करा है महाराजा के साथ। तो गाइस, देखते हैं इस बार वो ट्रैक कैसा आता है। नेक्स्ट न्यूज बताता हूँ डिनो जेम्स के बारे में। डिनो जेम्स का न्यू ट्रैक कब आने वाला ये तो नहीं पता। उनने ट्रैक की अपडेट दी, उनकी स्टोरी डाली है और वो अपनी ट्रैक रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो देखते हैं गाना कब आता है। फाइनल न्यूज की बात करता हूँ हेलेक के बारे में। गाइस, रिसेंटली हेलेक ने एक स्टोरी डाली है एंड उन्होंने ये लिखा है, इंटरनेट पे गाली देंगे, सामने आके सेल्फी लेंगे, हैशटैग लव फॉर हेटर्स। तो गाइस, आपका क्या कहना इस चीज पर मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। बंटा रिकॉर्ड्स ने कंप्लीट कर चुके हैं 10 मिलियन व्यूज, तो कांग्रेचुलेशंस बंटा रिकॉर्ड्स। तो चलिए गाइस, आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि तुम्हारा भाई रैपिंग न्यूज हमेशा अपडेट करता रहेगा। थैंक यू सो मच, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, पीस।